हम आए हैं स्टेशन रोड को आज एक्सप्लोर करने, और यहाँ पे जो हम खड़े हैं ये हमारे होटल से काफ़ी करीब था, तकरीबन 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर होगा। मतलब आप पैदल 2 या 3 मिनट लगे हमें पहुँचने के लिए। तो इस बार हमने क्या सोचा कि इस रोड को एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि ये रोड जो है ये सीधे जाता है रेलवे स्टेशन, और इस रास्ते का भी नाम स्टेशन रोड है। हमने एक बंदे से पूछा था तो उन्होंने हमें बताया कि स्टेशन रोड है इसका नाम, और एक दो नाम और भी बोला था बाकी और लोगों ने, बट स्टेशन रोड इसको नॉर्मली सब कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आना इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक चीज़ रियलाइज़ किया था कि यहाँ पे बहुत चहल पहल है, बट हम आए थे रात को, और रात को काफ़ी दृश्य जो है वो काफ़ी सुनहरा था, क्योंकि लाइट और ट्रैफिक एंड एवरीथिंग सारा चीज़ जो है एक अच्छा सा एम्बियंस क्रिएट कर रहा था। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि यहाँ पे काफ़ी पुराने आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स है, 2 स्टोरीड 4 स्टोरीड 5 स्टोरीड, तो वो हमें पुराने दिनों की याद दिलाती हैं कि किस तरह का आर्किटेक्चर हुआ करता था पहले। ये देखिए आप यहाँ पे, और एक और चीज़ है कि ये पूरे रास्ते में, क्योंकि ये स्टेशन रोड है, आपको होटल्स और धर्मशाला काफ़ी मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। तो आप आके, अगर आप हरिद्वार आके दिन के दोपहर को आके पहुँचते हो, तो 1-1.5 घंटे में आप अच्छे से घूम के आप देख सकते हो, और कोई भी अच्छा सा होटल ले सकते हो। और हरिद्वार कंपेयर्ड टू अदर प्लेसेस, और जगह से अगर आप कंपेयर करो, तो इसका जो होटल का बोलिए या फिर धर्मशाला का जो रेट है वो काफ़ी कम है। 1,000-1,200 रुपये में आपको अच्छा होटल मिल जाएगा, जबकि हर की पौड़ी के वहाँ पे मेन घाट के वहाँ पे 3,000-3,500 के रूम्स भी थे और डॉर्मेट्री भी थे, बट हमें वो ज़्यादा पसंद नहीं आए तो हमने वो नहीं लिए। ये एक दुकान है जहाँ पे एक दो, मतलब इस लाइन में 2-3 दुकानें हैं जहाँ पे शंख, वाइट शंख का जो ये इस्तेमाल है, इसको इस्तेमाल करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए हैं, और काफ़ी यूनिक सा लगता है। मैंने और किसी जगह पे इस तरह का जो आउटलेट जहाँ पे सिर्फ यही चीज़ मिलता है ऐसा देखा नहीं, तो ये थोड़ा सा यूनिक था मेरे लिए। ये जो रास्ता हम अभी सीधे जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ, ये है यहाँ का पुलिस स्टेशन, तो हमने इसको भी थोड़ा सा कवर कर लिया ताकि अगर आप स्टेशन रेड में आते हो और कुछ अगर होता है तो आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ पे है स्टेशन, पुलिस स्टेशन। तो और ये यहाँ पे भी देखिए कि लोग बैठे हुए हैं नीचे में लेके, या ज़्यादातर यहाँ पे जो लोग अपने स्टॉल्स लगा के रखे हैं, दोज आर रिमोट स्टॉल्स, मतलब कोई परमानेंट दुकानें नहीं हैं कि बोल सकते हैं कि दीज आर टेम्प्ररी नॉट परमानेंट, मतलब लाइसेंस्ड नहीं है इनके पास ये चलाने का, बट या इस तरह के आपको दुकानें यहाँ पे बहुत मिल जाएंगे। बट ये सारे जो दुकानें आप देख रहे हैं दीज आर परमानेंट स्टोर्स, और ये भी एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखा गया है, बहुत सारे स्टोर्स थे। और ये जो रास्ता है ये रास्ता सीधे, मतलब 2 मिनट का वॉक है, और ये सीधे जो नीचे के तरफ जो जा रहा था वो रास्ता हमारे होटल को जाता है, एंड दिस इज दी पोस्ट ऑफिस। एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है यहाँ पे कि ट्रैफिक ऐसा नहीं है कि कम है या ज़्यादा है, इट्स ट्रैफिक होता है इस जगह पे, काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आपको दिख जाएगा यहाँ पे, गाड़ियाँ काफ़ी है, और ये जो टॉम वगैरह इस रास्ते पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। और हरिद्वार में एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि लोग काफ़ी पोलाइट हैं,
और उनसे आप कुछ भी पूछो तो आपको वो बता देते हैं, आपको पूरा रास्ता दिखा देते हैं या फिर गाइड भी कर देते हैं। तो उस स्पीयर में हरिद्वार के लोगों के बारे में मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि बहुत ही प्लेजेंट होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो आप अगर कभी पहुँचो यहाँ पे तो आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रह सकते हो कि आपको लोग मदद करेंगे। बाकी मैंने एक और हम जब जा रहे थे इस रास्ते पे तो हमने नोटिस किया कि ये रास्ते जो रास्ता है वो काफ़ी अच्छा है, वो कहीं पे भी टूटा फूटा नहीं है। बट आई एम नॉट श्योर कि इंटीरियर्स में कैसा है, क्योंकि ये स्टेशन रोड है तो हमें इस रास्ते का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, और सरकार ने शायद से इस चीज़ का ध्यान रखा है। तो पीपल हु आर ट्रैवलिंग इन दिस रोड उनको असुविधा नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली स्टेशन से लोग अपने सामान वगैरह लेके आते हैं, और उसमें अगर रास्ता ख़राब हो तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि सिंधी होटल भी है, होटल्स भी बहुत सारे हैं खाने के, जो नाश्ता लंच, हमने यहाँ पे लंच नाश्ता या कुछ ट्राई नहीं किया। ये एक और एक चाय का दुकान है, तो हम अंदर गए नहीं थे क्योंकि हमारा मेन मकसद जो था इस बार वो ये था कि हम ये पूरा जो रास्ता है उसको कवर करें, दिखाएं आप सभी को कि किस तरह का एक एनवायरनमेंट है, कैसे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और कितना दूर है जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसको। आप विष्णु का कुछ नाम था उस जगह का, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, तो वहाँ से हमने शुरू किया था। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये बहुत पुराना आर्किटेक्चर है, देखिए बहुत बड़े बड़े इमारत या फिर बिल्डिंग्स जो भी आप बोलो, और काफ़ी आकर्षक है। अगर फॉरेनर्स अगर आते हैं तो वो इन सब चीज़ों को देख के उनको काफ़ी आश्चर्य होंगे वो लोग देख के कि इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स और इतने सुंदर उसमें मतलब कारीगरी जो किया गया है बिल्डिंग्स के बाहर, जो आजकल के दुनिया में तो देखा नहीं जाता है। जो आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग्स बनते हैं उसमें तो कोई डिज़ाइन होता नहीं है बेसिकली। क्या करते हैं अभी जो मैंने जो देखा है हाल फिलहाल में, जो बिल्डिंग्स बनते हैं बाहर की तरफ टाइल्स लगा देते हैं सिंपल। बट ये सारे चीज़ें तो हैं, वो एक हमारे ट्रेडिशन का एक हिस्सा है, बहुत रिच कल्चर है हमारा जो इन सब चीज़ों से ही दिखता है। तो दिन जो था काफ़ी खूबसूरत था, जैसा कि आप देख सक रहे हो पूरा ब्लू स्काई, ऐसा तो दिल्ली मेट्रोस में दिखता नहीं है, यहाँ पे हमें दिखा, काफ़ी अच्छा लगा। पूरा धूप निकला हुआ था, और हम यहाँ पे जिस दिन पहुँचे थे तो उसके दूसरे दिन शायद से मैं और मेरी वाइफ और आशना हम तीनों निकले थे रात के वक्त एटीएम ढूंढने। तो एक चीज़ है कि यहाँ पे एटीएम का बहुत प्रॉब्लम रहता है, एटीएम्स होते तो हैं मगर वो बंद रहते हैं या फिर कैश नहीं होता है। तो एक एटीएम हमें मिला था जो खुला था, और उसमें हम जितने बार भी गए थे तो कैश हमें मिल गया था। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब भी यहाँ पे जाओगे तो आप कैश रखना अपने पास, क्योंकि एटीएम में पैसा मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पे। इस रास्ते में मैंने जो देखा है, बाकी हरिद्वार में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी पैसे निकालने की, तो मैं बोल नहीं सकता। तो ये एक है, मैं जैसे जैसे हम जा रहे थे आगे तो मैं गलियों का एक दो गलियों के भी मैं शॉट्स ले रहा था ताकि आपको पता लगे कि हरिद्वार जगह कैसा है और इसके गलियाँ या फिर किस तरह के एनवायरनमेंट है। लोग यहाँ पे, जो पॉपुलेशन है यहाँ पे, इतने ज़्यादा भी नहीं है, इतने कम भी नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल सा है। जैसे कि आप अगर एक नॉर्मल डे में दिल्ली में अगर निकलोगे कहीं कि किसी भी बाज़ार में, तो नॉर्मल डे में जितना भीड़ भाड़ रहता है उतना ही रहता है। ये देखिए, अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था ट्रैफिक के बारे में, तो ये एक एग्ज़ाम्पल है हरिद्वार के ट्रैफिक का। तो चैलेंज यहाँ पे यही आ जाता है कि ये एक छोटा सा जगह है, मतलब
यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर टू दी मेट्रो ये छोटा सा जगह है, और थोड़ा सा भी अगर ट्रैफिक जाम अगर लगता है तो पूरा लंबा लाइन लग जाता है जाम का, और फिर लोग जो चल के जा रहे हैं उनको भी मुश्किल होती है आगे और पीछे चलने में। तो ये एक है। खाने के बारे में मैं जहाँ तक बोलूँगा ही, इस रास्ते पे मैंने काफ़ी अच्छे होटल देखे हैं, काफ़ी अच्छा मतलब देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया इस रास्ते पे। स्टेशन रोड में हम क्या करते थे, हमारे होटल के ही सामने एक दादा बोधी का होटल था, बंगाली होटल था, तो हमें हमारा बंगाली खाना मिल गया था, और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का खाना वो देते हैं। तो अगर आपको वो दादा बोधी का अगर डिटेल्स चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको उसका इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ये एक और एक चीज़ है, ये घोड़ा घाड़ी जो आपने देखा, ये काफ़ी पहले हम देखते थे, अभी तो हम ये सब देखते ही नहीं है। यहाँ पे मुझे देखा तो काफ़ी यूनिक सा एक चीज़ लगा। और ये जो तीन लोग हैं ये हमें मिले, और मैंने इनसे बात की, हमारे काफ़ी इंटरेस्टेड थे कि मैं क्या कर रहा था, तो मैंने उनसे अपने बारे में बताया, हमारे चैनल के बारे में बताया, तो ये फिर उसके बाद उन्होंने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया, तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा लगता है लोगों से इंटरेक्ट करना, जब पूछते हैं कि क्या कर रहे हो और कैसा है, वो हमें हेल्प भी करने की कोशिश कर रहे थे कि कि आप यहाँ पे जाइए वहाँ पे जाइए। तो ये तीन दोस्त अपने घूमने आए थे हरिद्वार, शायद से 3-4 दिन रहेंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे वापस। तो ये एक और एग्ज़ाम्पल है। कलिया जो है मतलब नॉर्मल है, ऐसा मैं ये भी नहीं कह सकता कि बहुत ही अच्छा कंडीशन में है, या फिर हाइजीनिक वाइज मतलब जैसे नाला वगैरह या रास्ते का क्वालिटी जो है, मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा है या बहुत ख़राब है, मैनेजेबल कंडीशन में है। तो ये एक चीज़ है। इंडिया में जैसा भी आप देखते हो, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जगह में बहुत बारी ये सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, या फिर वो लाइमलाइट में नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। जैसे हरिद्वार में अभी टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो जो मेजर जगह है वहाँ पे आप देखेंगे कि सारा चीज़ें गुड है, मतलब एवरेज से थोड़ा ज़्यादा, बट नॉट एक्सेलेंट, बट दे आर इन गुड कंडीशन, क्योंकि उनको एक टूरिस्ट जब आते हैं तो एक मिनिमम क्वालिटी का दे हैव टू मेंटेन अ मिनिमम स्टैंडर्ड, तो उस चीज़ के वजह से रहता है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि एक तो ये जो ठेला है, ये इसमें बहुत सारे स्टॉल्स हैं, और ये थोड़ा सा स्लम एरिया भी है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा जैसे रेलवे स्टेशन से निकलने के साथ साथ जो होते हैं, और ये बाबा, बहुत सारे बाबाज आपको यहाँ पे मिलेंगे। हम जब हर की पौड़ी में थे तो वहाँ पे तो मैंने आपको दिखाया भी था बाबा, जो पंडित जो मॉन्ग्स या क्या बोलते हैं उनको, बाबा ही बोलते हैं, तो वो उनका बैठने का एक अलग जगह है, जैसे हर की पौड़ी में मैंने दिखाया था। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसे चलते फिरते आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, आपको अच्छा लगेगा। और हम तकरीबन हमें 1 घंटा, मान लीजिए हमें 1 घंटा लगा चल के जाना और वापस आना। और ये एक सिनेमा हॉल है, बहुत ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये एक हमारे पुराने दिनों की याद दिलाते हैं, जब हम कॉलेज में हुआ करते थे, इस तरह का ही सिनेमा हॉल हुआ करता था, लाइन में लगते थे, भीड़ होता था, धक्का मुक्की मार के टिकट लेते थे, पूरा भीग जाते थे, पसीने पसीने होके फिर उसके बाद जाते थे। तो ये एक ऐसा एक अनुभव मुझे दे रहा था, तो मैंने थोड़ा सा उसको भी उठाया। आई एम श्योर ये वर्किंग कंडीशन में है, क्योंकि जो पोस्टर लगा हुआ था एक लेटेस्ट मूवी का ही लगा हुआ था। ये देखिए एक और गली, और यस इज ओके, मतलब इतना ख़राब भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है, ठीक ठाक है। और मैं इस वीडियो को बेसिकली इसलिए बना रहा था ताकि जब आप पहुँचो, जो लोग इंटरेस्टेड हैं हरिद्वार आने में, तो उनको थोड़ा सा
आइडिया लग जाए कि हरिद्वार है कैसा, और निकलने के साथ साथ आपको कौन सा रास्ता मिलेगा, वहाँ से आप थोड़ी देर आगे आने के बाद आपको कैसे कैसे होटल्स मिलेंगे, जैसे ये एक बहुत बड़ा होटल है, तो ये जो रास्ता है सीधे है, आपको कहीं नहीं मुड़ना है। अगर आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जब निकलते हो तो आप सीधे सीधे चलते चलते आप आना। ये देखिए, हम ऑलमोस्ट हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ये जो गेट है ये शायद से पहला नंबर गेट है। ये पहला नंबर गेट है। ऐसा तीन चार, मतलब इसको क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं या चौखट या जो भी है रेलवे स्टेशन का, बहुत तीन चार है ऐसे, आप किसी से भी घुस सकते हो। हम थोड़ा जा रहे थे आगे ताकि सामने से जो जहाँ से स्टार्ट होता है रेलवे स्टेशन, वहाँ से हम एंट्री ले सकें और आपको पूरा सा दिखा सकें। और देखिए, रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट में ये बहुत सारे ढाबा है, तो आप अगर आते हो, मतलब ऑनलाइन बुक करके आते हो वगैरह अगर करते हो, इट्स गुड, बट उसमें क्या होगा कि एक्सपेंसिव ज़्यादा होगा। तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हम आपको ये दिखाए कि सब कम से कम पैसे में किस तरह से आप घूम सकते हो, रह सकते हो, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन यू नो गुड क्वालिटी। अगर आप एकदम बेजार कंडीशन में रहोगे तब तो फिर वो कोई मायने नहीं बनता है, और फैमिली के साथ तो वो मायने नहीं बनता है। तो द मेन एम इज़ टू एक्सप्लोर द चीपेस्ट फूड एंड होटल्स विथ द मिनिमम विथ अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ यू नो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। तो हम अभी रास्ता क्रॉस करके अंदर चलेंगे रेलवे स्टेशन के, और आपको थोड़ा सा रेलवे स्टेशन का भी थोड़ा सा एक नज़ारा दिखा देंगे। यहाँ से खड़े होके मैंने पूरा एक पैन शॉट लिया है ताकि आपको पता चले कि निकलने के साथ साथ जो व्यू है वो कैसा होता है। और एक और चीज़ है, जब हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जब निकले थे तो आपको हमने बताया था, बट अभी जब हम यहाँ से निकलेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगा, ये एक लीला बोल के, या फिर क्या नाम है, आप एलरोन या ऐसा कुछ है, काफ़ी बड़ा ये एक होटल है, और मुझे जितना लगता है ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होगा। तो हमने अंदर जाके ट्राई भी नहीं किया पूछना कि क्या है क्या नहीं। हमें इस चीज़ से बहुत खुशी मिली देख के शिव जी की मूर्ति को, बहुत ही अच्छा एक ये है। और इस तरह का ही मूर्ति ऋषिकेश में भी है एग्जैक्ट, बट साइज इस वो थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है। तो आप मतलब हरिद्वार में घुसने के साथ साथ आपको हरि का दर्शन हो जाता है और मन प्रफुल्लित हो उठता है। इससे बेहतर और कोई चीज़ और कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है, आपको मिलेगा नहीं कहीं पे। तो हमारे हिसाब से, मैं, मेरे वाइफ, मेरे बेटी, मेरे मम्मी पापा, हमारे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा जगह है। थोड़ा सा आप ढूंढोगे, थोड़ा सा आप घूमोगे तो आपको बहुत अच्छा रहने का जगह मिल जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो खाना का आपका जो बंदोबस्त है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको आज यहाँ खा रहे कल वहाँ, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर मिल जाएगा अच्छा, जैसे कि हम जो खा रहे थे, हम एक ही होटल से खा रहे थे क्योंकि हमें वो बहुत ही अच्छा लगा, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी था। 80 रुपये प्लेट बड़ों के लिए और 50 रुपये छोटे बच्चों के लिए, और उसमें अनलिमिटेड खाना है। दो या तीन करी है, उसमें फ्राई एक है, दाल सब्जी चटनी, फिर लास्ट में एक टमाटर का एक चटनी होता है, वो मीठा चटनी होता है, काफ़ी अच्छा चटनी था। और ये बंगाली ट्रेडिशन में वो एक चटनी बनता है, कभी मौका मिलेगा तो हम बना के आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो बहुत ही अच्छा ये था। और रेलवे स्टेशन जैसा होता है, मतलब नॉर्मली इतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं था और इतना ज़्यादा एम्प्टी भी नहीं था, तो नॉर्मली ठीक था। और साफ़ सफाई में मैं अगर बोलूं, एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि रेलवे स्टेशन जो है अभी दिल्ली के रेलवे स्टेशन बोलो या कहीं पे, काफ़ी मतलब साफ़ सुथरा आपको मिलेगा। अभी पहले जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया था बहुत ही गंदा रहता था, यू नो यू मतलब आपको रेलवे स्टेशन में जाके आप रह नहीं सक देख नहीं सकोगे। तो अभी ये एक बहुत अच्छा, ये एक गवर्नमेंट की तरफ से शायद से एक बहुत अच्छा प्रयास है जो हमें दिख रहा है और जो बहुत ही अच्छा है।
तो ये हमारा शायद से चौथा या पांचवा वीडियो है हरिद्वार के लिए, हरिद्वार सीरीज़ में, और एक या दो वीडियोस और है जो मैं रिलीज़ करूँगा शॉर्टली। तो आप देखते रहिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा, आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। तो ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी से यही बोलूँगा कि आप सब अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें और बुज़ुर्गों की हमेशा मदद करें। हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि आपके कि हम अपना एक्सपीरियंस आपको दिखाएं, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा होता है कि हम एक नया जगह में जाते हैं जो हमें पता नहीं होता है कि किस तरह का जगह है, और वहाँ पे जाके कैसे कैसे प्रॉब्लम्स बोलिए या अच्छा चीज़ या बुरा चीज़ जो भी है वो चीज़ हम शेयर करते हैं आपके साथ। तो ये हमारा प्रयास रहता है हर वीडियो में। और खाने के जो वीडियोस होते हैं उसमें तो हम अपना ट्रेडिशनल खाना आपको दिखाते हैं साइड बाय साइड, यू नो, क्योंकि घूमना जितना ज़रूरी है खाना भी उतना ही ज़रूरी है। तो मैं आपसे मिलूँगा फिर से एक नए वीडियो में, एक नया जगह लेके या फिर एक नया डिश लेके। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।